ठीक है बच्चों, लालच करना अच्छा नहीं होता। उसके बाद है, हमें हर काम करना चाहिए। अब ये आपको पता है हमें हर काम कैसे करना चाहिए, सोच विचार कर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क ख गा, वो आपको इसमें यहाँ पर ये वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ में अपनी बात कहती है। इसी प्रकार सभी जीव जंतु अपनी अपनी आवाज़ में अपनी बात कहते या बोलते हैं, यही बोली भाषा कहलाती है। भाषा के बारे में मैंने आपको व्याकरण में पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं। अब देखिए, जीव जंतुओं का उनकी बोलियों से सही मिलान कीजिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ओके, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए हैं और यहाँ पर उनकी बोलियाँ दी हैं। ठीक है, तो आपको इससे मैचिंग करनी है, ये आप कर लोगे। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। देख मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया। मुंह में पानी आना ये एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ है ललचाना। मुंह में पानी आना मतलब ललचाना। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब जो मुहावरा होता है वो एक वाक्य का अंश होता है जो किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है। अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ है, जैसे मुंह में पानी आना, ठीक है, ये वाक्यांश है, लेकिन इसका कोई ना कोई एक अर्थ होता है, ठीक है, उसका मतलब निकलता है, तो विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है, वो होते हैं मुहावरे। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये दो मुहावरे दिए हुए हैं, ठीक है, अब हमें इनसे क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है चिढ़ाना। अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना, कोई भी तुमसे किसी काम की कहे और तुम ऐसे बोल दो, चिढ़ा दो उसको, अंगूठा दिखा दो, तो चिढ़ाना होता है, यानी कि हमें काम नहीं करना, अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। अब मैंने इसके अंगूठा दिखाना और भीगी बिल्ली बनना का इसके वाक्य बनाए हैं। मोहन ने श्याम को अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। इसी तरीके से शेर को देखकर लोमड़ी भीगी बिल्ली बन गई। उसके बाद है, आपने लालची किसान की कहानी पढ़ी होगी, चित्रों को देखकर कहानी लिखी है। सारे बच्चों को पता है, एक किसान होता है, उसके पास एक मुर्गी होती है जो सोने का अंडा देती है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि इसके रोज वो एक सोने का अंडा देती थी, जिससे वो बेच के बहुत मालदार हो रहा था, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा आ रहा था, तो उसने उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस मुर्गी को मार के सारे अंडे एक साथ निकाल देता हूँ तो मैं बहुत मालामाल हो जाऊँगा। तो वो क्या करता है, चाकू लेके आता है और मुर्गी मार देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस मुर्गी के पेट में तो एक भी अंडा नहीं है, तो वो बहुत पछताता है, यानी कि लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच की वजह से उसने अपनी मुर्गी को मार डाला। ये मैंने कहानी इसमें, ये आधी कहानी इसमें दी हुई है और आधी मैंने जो इसको चित्र को देख के लिखनी थी वो मैंने इसमें लिख दी है। ये आपको अपनी बुक में करना है। ओके बच्चों, ये आज का आपका वर्क है, ये आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। ओके, तो आपका ये चैप्टर 3 और 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लालच का फल। ओके, अब आप इसको याद करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगी मंडे को, वो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे किस चैप्टर का आपका टेस्ट लेना है। ओके बच्चों, अभी आप सारे बच्चे होमवर्क करेंगे नीट एंड क्लीन। ओके।